बोलकर आए थे कि मैं चार दिन के लिए जा रहा हूँ, छह महीनों तक उसी ब्रज में रहे। मन लग गया उद्धव जी का, तो उद्धव जी छह महीनों तक उसी ब्रज में रुके। छह महीने हो गए रहते रहते। अब छह महीने के बाद में उस ब्रज को छोड़कर हमारे उद्धव जी मथुरा में आते हैं। वो जैसे ही मथुरा आए, मथुरा में भगवान को पता चला कि उद्धव लौट आए। भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते हृदय से उद्धव जी को लग लिया। हे उद्धव, तुम तो मुझसे चार दिन की बोल कर गए थे और तुम तो छह महीनों में आ रहे हो। उद्धव जी प्रभु से कहते, प्रभु आप ठीक कहते थे कि जो प्रेम ब्रजवासियों के हृदय में है आपके प्रति, उतना प्रेम आपसे कोई कर नहीं सकता है। मैंने सुना था कि गोपियां आपसे प्रेम करती हैं, राधा रानी आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन आज मैंने साक्षात देख भी हुई कि गोपियां आपसे कितना प्रेम करने वाली हैं। जितना आप गोपियों के लिए रोते हो, किशोरी जी के लिए रोते हो, उतना ही गोपी और हमारी राधा रानी आपके लिए रोती है। आज भगवान को रहते रहते कई वर्ष बीते तो कहा कि भगवान संदीपनी मुनि जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वहां जाकर 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या का अध्ययन किया और भगवान ने देखा कि अब समय पूर्ण हो गया है, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तब भगवान ने सबसे पहले अपने भाई बलदाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ में कराया। बलदाऊ भैया जी का विवाह रेवती जी के साथ में होता है, फिर भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। कल रुक्मणी जी के विषय में हमने आप सभी को बता दिया था। अब जब रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ तो भगवान के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। क्या नाम पड़ा? प्रद्युम्न। अच्छा, प्रद्युम्न जी जब 9 दिन के थे तब इनको समरासुर उठाकर ले गया था और समरासुर मारना चाहता था। क्यों? समरासुर सोच रहा था कि भगवान के पुत्र को मार दूंगा तो भगवान के कुल में कोई दीप जलाने वाला बचेगा, तो भगवान के पुत्र को मारना चाहता था। लेकिन जब समरासुर भगवान के पुत्र को मार ही रहे थे कि उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी आए समरासुर के राज्य, और जब समरासुर भगवान के पुत्र को मार ही रहा था, दौड़े दौड़े नारद जी गए और हाथ पकड़ पकड़। अरे समरासुर, अरे तुम भगवान के पुत्र को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा बलशाली समरासुर और इतने छोटे से बालक से डर गया जो भगवान के पुत्र को मारने चला है? एक काम करो समरासुर, हम तुम्हें बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं कि जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा सुंदर उपाय बताता हूँ मैं तुम्हें। समरासुर ने कहा, बताओ गुरुदेव कौन सा उपाय है? नारद जी ने कहा, देखो एक काम करो, तुम इस पुत्र को लेकर तुम समुद्र में फेंकवा दो, और जब तुम समुद्र में इस बालक को फेंकोगे ना तो समुद्र में खूब सारी मछलियां रहती हैं, तो इस पुत्र को खा जाएंगी और तुम्हारे रास्ते का जो कांटा है वो साफ हो जाएगा। का ठीक है गुरुदेव, ये तुमने अच्छा उपाय बता दिया। अब समरासुर ने अपने सेनापतियों को बुलवाया और भगवान के पुत्र को लेकर समुद्र में फेंकवा दिया। अच्छा, एक बार की बात है, रुद्र भगवान ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी रोने लगी। कामदेव की पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी कि प्रभु आपने हमारे पति को जलाकर भस्म कर दिया है, अब ये बताओ कि हमारे जब पति जलकर भस्म हो गए तो हम किसके सहारे से रहेंगे, किसके पास में जाएंगे, किसको अपना पति कहेंगे? तब रुद्र भगवान ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय रुद्र भगवान ने जब कामदेव को जलाकर भस्म किया, कामदेव की पत्नी थी रति मैया, तो रति जी भोले शंकर के पास चली गई दौड़े दौड़े कि भोले बाबा, रुद्र भगवान ने
मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया है, आप कुछ उपाय करो जिससे हमारे पति हमें प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तुम चिंता मत करो, द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और जब उनका रुक्मणी जी के साथ में विवाह होगा और जो रुक्मणी के गर्भ से जो पहला बालक उत्पन्न होगा वही तुमको अपने पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखो देवी, ध्यान रखना, अगर तुमने अपने पति को समय पहचान लिया तो वो तुम्हें पति मिल जाएगा, अगर पहचान नहीं पाई तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। रति मैया ने कहा ठीक है। अब जब द्वापर में विवाह हुआ भगवान का और पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, तो एक बार की बात है, उस समय कामदेव की पत्नी रति मैया थी, उनका नाम था रति। लेकिन इस समय जो रति मैया द्वापर में आई तो मायावती के रूप में आई, मायावती के रूप में समरासुर के राज्य में रहकर उसके भोजन का कार्य करती थी, उसके घर में भोजन बनाती थी। तो जैसे ही प्रदीप जी को समुद्र में फेंका गया, एक मछली ने प्रदीप जी को अपने पेट में भर लिया, तो कहते हैं कि उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वो मछुआरा उस मछली को पकड़ के समरासुर के राज्य में ले आया, जहां पर ये मायावती भोजन का कार्य करती थी। वहीं पर लाकर जैसे ही मछली का पेट चीरा गया, उसमें से प्रद्युम्न जी बाहर आए, और जैसे ही प्रद्युम्न जी बाहर आए तो मायावती ने देखा कि ये पुत्र और कोई नहीं है, ये पुत्र ही हमारे पति जो हमें आज पति के रूप में प्राप्त हुए, पहचान गई और शक्ति के द्वारा उनको नव युवक किया गया। और जब इनको जवान किया गया, जवान होने के बाद में जब मायावती ने बताया कि जब तुम 9 दिन के थे तब तुमको समरासुर उठा कर ले गया था, जब ऐसी बात कही तो आज प्रद्युम्न जी समरासुर के राज्य में जाते हैं, वो समरासुर का वध कर देते हैं। ऐसे प्रद्युम्न जी पृथ्वी पर आए। अब भगवान के विवाह के विषय में बताया गया कि भगवान के विवाह हुए कितने। अच्छा, कोई बताएगा भगवान ने विवाह कितने किए? हैं? 16,000, 108। अच्छा, मुख्य विवाह कितने कहे गए? कितने? 8। हमारे जजमान जी के लिए ताली बजा दो। कितने विवाह कहे गए? 8 विवाह। सब विद्वानियां हैं, हम तो जाना था गांव में कथा करने से पहले जाने गई थी, जब कलश यात्रा हो रही थी। अच्छो गांव है। अच्छा ये बताओ कि बमोरी से कौन कौन आया है? बमोरी से कोई आया है?